कुमार, उन्होंने बिचौलिए के थ्रू पहले पैसे लिए, चोटी वाले उनके एक एम के त्रिपाठी नाम से उनके एक उनके यहाँ पर्सनल सेक्रेटरी भी है और पैसे भी उनके लिए हमसे लिए उन्होंने, मनोज कुमार को बाद में दिए उन्होंने पैसे। तो एक तरह से शुरू में देखिए, सबको जो फर्स्ट मीटिंग होती है सांसदों, सबको एक तो सबको अवेयर होता है भैया कि सही आचरण क्या है, सबको मालूम है। और सही आचरण क्योंकि मैं ऐसा है कि आप पैसे लेके ये नहीं कह सकते कि आप घूस लेके आपने पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा या कोई पॉलिसी को इन्फ्लुएंस किया या कोई लॉबी बनाई, तो बहुत ही सोच समझ के। जैसे एक दलाल था, हरीश नाम का एक दलाल, वो शुरू में ही हम लोग को स्पष्ट कर देता था कि उसके सामने पहली मीटिंग में पैसा नहीं दिया जाएगा। मतलब उनको भी बात है कि ये पहली मीटिंग में भैया ये सब डरते हैं और आप हमें दे दीजिए, हम उनको दे देंगे। लेकिन दूसरा पक्ष है, सांसदों को दलालों पर इतना भरोसा रहता है कि बाकी चीजें बहुत ही अचंभे की बात है कि और ये एकदम नेक्सस तोड़ना पड़ेगा और ये तोड़ ले, क्योंकि एकदम आप नॉर्थ एवेन्यू घूमते रहे वो कई दलाल दिख जाएंगे और दलाल तो उनके ज्यादातर तो पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं और एक पर्सनल सेक्रेटरी ऐसा है वो कई एमपीओ के साथ उसके ताल्लुकात रहते हैं। अब वो अगर मैं दलाल हूँ और मैं 5 एमपीओ को जानता हूँ तो एक तरह से दलाल आपको ले जाता है एमपीओ के पास कि भैया इन सबसे कोई हम ऐसे तो हमने लिस्ट नहीं निकाली एमपीओ की, भैया हमें इसके पास जाना है, इसके पास जाना है, इसके पास जाना है, इसके पास जाना है। दलाल हमें जहाँ ले गया कह के हमें पता था कि भैया ये लोग क्वेश्चन के लिए ये लोग पैसा लेते हैं, हम लोग वहाँ चले गए। तो भाई वहाँ से दलाल ने हमको बताया कि इतना देना है। आपने शुरू में ही देखा होगा चंद्रवान गुप्ता कुशवाहा जी के सामने कि उनको 15,000 की जगह कह रहे नहीं आप 25,000 दीजिए, ये तो रेट खराब हो जाएगा। दूसरे एमपी आपस में बात करेंगे, कहेंगे आपने 25 लिया आपको 15 मिला। कुशवाहा जी ने भी ये बात रेज करी कि आपने मनोज कुमार को भाई आपने 1,00,000 रुपये दे दिया और हमको तो बहुत कम दिया, हमको सब पता है। तो आपस में भी कुछ सांसद बात करते हैं, उनको पता चल जाता है, बहुत ही एक तरह से एक इंसेस्टुअस कम्युनिटी है। कितनी बड़ी त्रासदी कही जा सकती है इस पूरे स्थिति को समझने के लिए कि रेट तय है दलालों के सामने सांसदों के, कुछ सांसदों के, या फिर सांसद क्या अपने रेट को भी बदल लेते हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर हम एक नजर डालते हैं कि चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तमाम दलों के कुछ सांसदों ने सवाल पूछने के लिए पैसे लिए, उन्हें कैमरे में कैद किया गया। इसमें बीएसपी और आरजेडी के भी सांसद भी शामिल हैं। आइए पूरे घटनाक्रम पर फिर से एक नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के जिस तर्ज पे सांसदों का पैसा लेते हुए कैमरे पर नजर आया, हम यहां पर ये आपको जानकारी दे दें कि तकरीबन 56 से ज्यादा वीडियो टेप इस रिकॉर्ड किए गए हैं, जो 11 सांसदों का जो घेरा नजर आ रहा है, और 70 से ज्यादा है ऑडियो टेप। इसके अलावा फोन कॉल्स की भरमार है, 900 से ज्यादा टेलीफोन कॉल्स है। अनिरुद्ध हमारे साथ हैं जो कि इस पूरे ऑपरेशन उनके जहन में किस रूप में आया, कैसे आया और अब वो इसको किस नजरिए से देखते हैं, हम चर्चा उनसे करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद करेंगे। जी, मसला सांसदों का है, मसला संसद का है, मसला आम लोगों का है, मसला उस भ्रष्टाचार का है, उस करप्शन का है, जिसको लेकर तमाम बहस संसद के भीतर अक्सर होती रही है। लेकिन इस बार कैमरे के सामने 11 सांसद, जिसमें 6 बीजेपी के हैं, 3 बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी के हैं, 1 कांग्रेस के और 1 आरजेडी के। आचरण समिति बैठाई गई है राज्यसभा में, चूंकि वहां से भी एक सांसद है। लेकिन हम सीधे पहले चल रहे हैं मायावती, बीजेपी की, बीएसपी की अध्यक्षा, उनका क्या कहना है इस पूरे मसले, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रही है, सबसे पहले उधर ही चलते हैं। फैसले की जानकारी देने के लिए ही आप लोगों को यहाँ बुलाया था, वो जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है। और इसी मुद्दे से संबंधित यदि आप लोग कुछ और सवाल करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप लोग पूछ सकते हैं। मायावती, आपको लगता है कि एक ऐसा मामला है जिससे कि इसकी सदस्यता संसद की सदस्यता में नहीं लगने दी जाना चाहिए, खत्म किया जाना चाहिए और उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग होनी चाहिए? मुझे इस मामले में जल्दबाजी में अभी कुछ नहीं कहना है, क्योंकि लोकसभा के माननीय स्पीकर ने इस मामले की जांच कराने के लिए खुद उन्होंने कहा है, तो जांच में क्या कुछ उभर कर आता है तो उसके बाद ही आपने जो सवाल पूछा है इसका जवाब देना उसके बाद ही ज्यादा उचित रहेगा। लेकिन फिर भी
हमारी पार्टी का ये मानना है कि पार्लियामेंट इस मामले को लेकर जो भी जांच कराए और जांच में जो भी फैसला लिया जाता है तो हमारी पार्टी उस पर अपनी पूरी सहमति जताएगी, उसका विरोध नहीं करेगी। ये कोई पहला मामला नहीं है। ये कुछ पार्टियों के एमपी का ये जो आज चैनल पे दिखाया गया वो कुछ पैसा लेते हुए, इससे पहले भी कुछ और मामले मेंबर पार्लियामेंट के आए हैं। जैसे बीजेपी से श्री जूदेव का मामला आया, श्री बंगालू लक्ष्मण का मामला आया। तो ये जो आज जो दिखाया गया है ये तो बहुत छोटी छोटी रकम का मामला दिखाया गया है। कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 25,000 ऐसे दिखाया गया है, तो बहुत छोटा अमाउंट है। इससे बड़े बड़े अमाउंट के मामले भी इससे पहले मेंबर पार्लियामेंट के बारे में आ चुके हैं। लाखों के, कई कई लाखों के मामले आए हैं, उसकी जानकारी आप लोगों को है। लेकिन मेंबर पार्लियामेंट को जहाँ तक मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है या हमारी पार्टी की राय है, तो मेरा तो यही मानना है कि जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, तो जब उनको जनता चुनकर भेजती है तो उनको ईमानदारी और निष्ठा से काम करना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि जिससे जो मेंबर पार्लियामेंट है तो उनके इमेज को धक्का लगे। और आप लोगों को मालूम है कि जब कुछ लोग गलत काम करते हैं तो आम जनता यही सोचती है कि शायद जो मेंबर पार्लियामेंट है इनका कैरेक्टर ही शायद इसी किस्म का है, तो इससे बाकी जो साफ सुथरी छवि वाले मेंबर पार्लियामेंट है तो जनता उनको भी फिर शक की नजर से देखती है। मैं समझती हूँ ये भी जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है। इस किस्म के जो ये घटनाएं घटती हैं तो इससे हमारी पार्टी सहमत नहीं है। ये इस देश में स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं है, ये देश की जनता के लिए ठीक नहीं है। मैं समझती हूँ कि ऐसे मामलों की तो जितनी भी निंदा की जाए तो वो मैं समझती हूँ उतनी करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हम कोई किसी का बचाव नहीं करना चाहते हैं। और मैंने कहा कि इस मामले में पार्लियामेंट जो भी डिसीजन लेगी हम उसका विरोध नहीं करेंगे, उससे सहमति जताएंगे। ऑपरेशन का तरीका है, क्या आपको लगता है कि ठीक है, समाज को फायदा होगा, राजनीति को फायदा होगा? क्या चीज ऑपरेशन का तरीका है? अभी मैं समझती हूँ कि माननीय स्पीकर महोदय ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया है, जिनको और वो इस मामले की पूरी जांच कराएंगे। जिन एमपी ने पैसा लिया उसकी भी, और जिस तरीके से ये रिकॉर्डिंग की गई है मैं समझती हूँ उसकी भी वो जांच कराएंगे। और ये जिस तरीके से रिकॉर्डिंग की गई है वो इस पहलू को भी मुझे ऐसा लगता है वो जरूर देखेंगे कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश तो नहीं है, किसी कोई पार्टी का हाथ तो नहीं है इसमें। मैं समझती हूँ कि ये सारे तथ्यों को वो जांच के दौरान में जब जांच की जाएगी इस मामले की, तो ये सारे तथ्य जरूर देखे जाएंगे जो मुझे लगता है। अब ये मुझे मालूम नहीं कि वो क्या तथ्य देखेंगे, मुझे लगता है हर पहलू की जांच होनी चाहिए। आपने अपने तीनों सांसदों से बात करने के लिए कह रहे हैं कि उन्हें गरीबों का ख्याल रखना चाहिए, जब वो एमपी चुनाव लड़ने आता है चाहे किसी भी पार्टी का हो, वहीं से गरीब और खुश हो जाती है। पार्टी के एमपी चुनाव लड़ने के लिए सीधे उनको भेजे जाते हैं ना। मैं समझती हूँ
यदि ऐसी परंपरा है तो बिल्कुल गलत है, ऐसी परंपरा है तो बिल्कुल गलत है। और मैं दूसरी पार्टियों का तो नहीं कहती, लेकिन हमारे ये जो तीन मेंबर पार्लियामेंट जो चुनकर आए हैं, तो तीनों के तीन जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, ये कोई धनाढ्य परिवार से ताल्लुक नहीं रखते थे। इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है, कोई ज्यादा आर्थिक मामले में कोई ज्यादा मजबूत नहीं रहा है। आपका जो इशारा है कि भाई ये लोग पैसा देके, जिनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं तो वो पार्टी को क्या पैसा देंगे, ये तीनों मेंबर पार्लियामेंट जो चुनकर आए हैं, पार्टी ने खुद इनके नामांकन भरने के लिए पार्टी फंड से पैसा दिया। ओके, हम तो जो जो हम पार्टी का हम तो सोचते कि जो पार्टी के लिए वफादार है हम उनको टिकट देते हैं, तो पार्टी के लिए ये लोग काम कर रहे थे। अभी ये आगे चलकर क्या होगा, अभी ये तो मैं एडवांस में तो कुछ कह नहीं सकती, मैं कोई जोशी तो हूँ नहीं किसी के बारे में मैं एडवांस में सोच लूं। आपने बात की, क्या पूछा आपने कि क्यों ऐसा पैसा लिया उन्होंने? हाँ, मैंने अपने जो तीनों में जो हमारे एमपी हैं जिनको इसमें इन्वॉल्व किया गया है, जिनको ये दिखाया गया पैसा लेते हुए, तो उसमें श्री कुशवाहा से मेरी बात हुई थी टेलीफोन पे, तो उनका ये कहना था कि मुझे इस मामले में साजिशन मुझे फंसाया गया है, ऐसा उन्होंने कहा। तो मैंने उनको बोला कि भाई यदि आपको साजिशन फंसाया गया है तो आप अपने आप को निर्दोष साबित करें, इस मामले को लेकर आप लोग जहां तक भी जा सकते हैं आप लोग जाएं, अपने आप को निर्दोष साबित करें तो ये अच्छा रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा, पार्टी के लिए भी अच्छा रहेगा। नहीं, अभी क्योंकि ये पार्लियामेंट ये एमपीज का मामला है, तो अभी जो स्पीकर महोदय हैं, तो जब वो इस मामले को काफी गंभीरता से ले रहे हैं और वो खुद अपने 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 स्तर से वो इसकी जांच करा रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि पार्लियामेंट हो सकता है इस मामले को जिस तरीके से गंभीरता से ले रही है इसके ऊपर कोई कड़ा रुख अपनाए, और मैं समझती हूँ वो ठीक है। तेवर तीखे जरूर हैं, लेकिन बावजूद उसके चूंकि एक सर्वसम्मति बनी है संसद में, स्पीकर ने सहमति बनाई है, तीनों सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। यानी नरेंद्र कुशवाहा जो कि मिर्जापुर के सांसद थे, लालचंद रॉबर्ट्सगंज के थे, और राजा रामपाल जो कि भलौर उत्तर प्रदेश, तीनों उत्तर प्रदेश के सांसद थे, तीनों को सस्पेंड पार्टी से किया गया है। अनिरुद्ध, मिजाज में लग रहा है थोड़ा सा मायावती के परिवर्तन है, क्योंकि आखिर में बात कह रही थी तीनों बड़े निचले परिवार से आते हैं, पैसे वाले परिवार से नहीं है, चुनाव में हम ही ने पैसा दिया, नॉमिनेशन के लिए हमने पैसा दिया, इसलिए यह मत सोचिए कि पैसा ही लेते रहते हैं, ज्योतिष नहीं जानता है कल क्या होगा। प्रक्रिया ठीक थी, बैलेंस थी, कम से कम एक पार्टी ने स्टैंड तो लिया कि अगर बोला कि अगर ऐसा किया है तो गलत है, तो ये अच्छा अच्छी मतलब एक तरह से स्टैंड तो ठीक ही है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, स्टैंड लिया गया है और उसके बाद सस्पेंड की प्रक्रिया शुरू हुई है। लेकिन हम आपको बता दें कि अनिरुद्ध बहल इस वक्त हमारे साथ है और हम ब्रेक के बाद चर्चा करने वाले हैं कि आखिर कहां से ये पूरे ऑपरेशन की शुरुआत होती है, वो कौन सी वजह थी जो उस दिशा में प्रेरित करती है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, और वो कौन सी दिशा थी जिसको लेकर आज पार्लियामेंट में सवाल अगर उठ रहे हैं तो उस वक्त पार्लियामेंट क्यों नहीं चौंकी थी, उस वक्त पार्लियामेंट ने, ये वाकया मार्च का है, क्या है ये सब कुछ ब्रेक के बाद। तकरीबन 8 महीने कहें, अप्रैल में ये ऑपरेशन शुरू होता है, उससे पहले मार्च में बकायदा अनिरुद्ध बहल जो इस वक्त हमारे साथ हैं, एक राष्ट्रीय अंग्रेजी अखबार में एक लेख लिखते हैं, उस लेख में जो उन मुद्दे उठाते हैं उसमें यह भी रहता है कि सवालों के लिए सांसद पैसे लेते हैं। नोटिस उनके पास आता है, उस नोटिस पर केरल के एक इंडिपेंडेंट सांसद, क्या उनका नाम होता अनिरुद्ध, सेबास्टियन पॉल का वो नोटिस, और उसके ऊपर फॉरवर्ड किया जाता है स्पीकर लो सोमनाथ चटर्जी के द्वारा। उसके बाद इनके जहन में आता है क्यों ना इस चीज को सामने लाया जाए। अब ये सवाल
क्या मार्च में अगर नोटिस दिया गया था कि आपने ऐसा क्यों सवाल खड़ा किया गया जिससे कि यह संसद और संसद की मर्यादा पर उंगली उठाई जाती है, तो क्या उस समय सांसद या संसद सचेत नहीं थी? अनिरुद्ध, क्या लगता है मार्च में आपके पास नोटिस आया, आपने तो उसके बाद पहल शुरू कर दी, लेकिन क्या कहें तो स्पीकर खुद उस वक्त, या कहें जिन्होंने भी पढ़ा और जिन्होंने भी रिएक्ट किया, अब क्या उनसे सवाल जवाब पूछे जाएं कि आप क्या कर रहे थे? इसमें एक छोटी सी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टोरी आइडिया पब्लिकली अनाउंस हो गया है, एक नेशनल डेली में, हिंदुस्तान टाइम्स में कॉलम में लिखा कि भाई ऐसी ये स्टोरी आइडिया है, इसके ऊपर कोई करे ऑपरेशन, और बता दिया, तरीका भी बता दिया कि भाई ऐसे करना चाहिए आपको, जो भी है राय दी थी मैंने एक टेलीविजन चैनल को कि आप इस तरह से करिए, बनिस्पत इसके कि लोगों के प्राइवेट लाइफ के बारे में आप बात करें। तो ये तो पब्लिकली अनाउंस हो गया, उसके बाद इन्होंने नोटिस भेजा मुझे। भाई मैंने कहा भाई मुझे क्यों नोटिस भेज रहे हो, मैंने तो स्टोरी आइडिया दिया, मैंने तो ये नहीं कहा कि कुछ नाम लेके मैंने बोला हो कि ये करता हो ऐसा, ये करता है ऐसा, ये करता है ऐसा। अब नोटिस स्वाभाविक है कि आप नॉर्मल सिटीजन को एक नोटिस भेजेंगे तो थोड़ी उसके मन में एक थोड़ा सा डर पैदा होता है, थोड़ा सा भय पैदा होता है कि भाई ये किस लिए आया है और कहीं मैं ही ना गलत साबित हो जाऊं। तो फिर मैंने कहा कि भैया अगर मुझे बुलाते हैं, बहुत मैं रिस्पेक्ट करता हूं श्री सोमनाथ जी की, उन्होंने बहुत मदद की थी हम लोग की जब हम तहलका में एनडीए गवर्नमेंट हमको परेशान कर रही थी, लेकिन उनकी तरफ से भी ऑफिस से नोटिस आया। तो फिर हमने कहा भाई उनकी तरफ की कुछ एग्जांपल लेके जाने चाहिए कि मैंने ये सही बोला है, मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं। तो वैसे ये ऑपरेशन दुर्योधन शुरू हुआ और होते होते एंड में जितने सांसद हैं वो आपके पास हैं और जितने टेप हुए, जितने फ़ोन कॉल्स हुई और काफ़ी योगदान दिया मेरे कलीग्स सुहासिनी राज और कुमार बादल ने भी काफ़ी इसमें मदद की शुरू में, तो काफ़ी एक तरह से लॉन्ग टर्म था। लेकिन एक आप समझिए कि हम लोग एक एमेच्योर टीम है, ये मैं बताता रहता हूँ लोगों को, भाई हम कोई प्रोफेशनल, वी आर नॉट कोई इंटेलिजेंस एजेंसी के हों हम या किसी और के हों हम तो एक एमेच्योर टीम है। कोई भी बुद्धिमान एमपी एक तरह से हमारा पूरा पर्दाफाश हो सकता था। अब ये क्या वजह हुई उना क्या परखते नहीं है लोगों को कि भाई क्या ये जो कहानी बता रहे हैं निस्मा की ये सच है कि नहीं, आप विजिटिंग कार्ड दीजिए, लेटर हेड दीजिए, आप कुछ हमारा फ़ोन कॉल बताइए, लैंडलाइन क्या है, कुछ आईडी कार्ड दिखाइए, कुछ नहीं। और मैं कह रहा हूँ कि हम लोग ने तो ये थोड़े से पैसे खर्च किए हैं, अगर कोई बड़ी कॉर्पोरेट है वो कितने पैसे इसमें खर्च करने को तैयार है, तो क्या कितने समय से क्या वो पॉलिसी इन्फ्लुएंस कर रहे थे या करेंगे? तो इसमें तो ये देखिए छोटे से इसमें इतनी आगे बढ़ जाएंगे आप, प्रश्न डाल दीजिए, वो कह रहे हैं पिटीशन मूव कर देंगे, वो कह रहे हैं कि हम प्राइवेट मेंबर बिल मूव कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो जीरो आवर में हल्ला मचा देंगे, वो कितने प्रोविजंस है पार्लियामेंट्री उसमें हम मूव कर देंगे, ऐसे बोल रहे हैं। तो अगर हम जेन्युइनली कोई पावर ब्लॉक होते, जेन्युइनली इन्फ्लुएंस करना चाहते, तो हम कहां तक आगे बढ़ जाते? किसी लेवल पे कभी काउंटर नहीं किया गया, चूंकि आप विक पहने हुए हैं, उस ग्रुप में गए हुए हैं, कोई आपसे काउंटर नहीं कर रहा है कि हमें आप पे शक हो रहा है? नहीं, शक वो एंड स्टेजेस में हुआ, तब तक कहानी पूरी कंप्लीट हो चुकी थी। जो शक जो बाद में कुछ लोगों को हुआ वो बाद में हुआ, हम थोड़े केयरलेस भी हो गए थे, लेकिन चक्कर ये शक तो शुरू में होना चाहिए था। अब आपके पास ये आपके पास तहलका का भी उदाहरण है, उसके बाद और लोग आज तक ने इतने अच्छे अच्छे ऑपरेशन किए हैं, आपका इनकम टैक्स का था, तिहार का था, और बल्कि जब हम लोग शुरू में मई में कर रहे थे उस समय तिहार का एपिसोड भी हुआ था आज तक में, तो लोगों के मन में ये बहुत एक खास तौर से दलालों के मन में ये था कि भैया कहीं आप लोग स्टिंग तो नहीं कर रहे हो। ऐसी कई हमारे पास ऑब्स्टिकल आए, कुछ दलाल तो हमें अशोक होटल में लेके हमको घेर लिया हमारी रिपोर्टर को कि आप बताएं कि आप स्टिंगिंग को तो नहीं है, हमें आईबी से खबर मिली है कि आप लोग रिपोर्टर हो। लेकिन रिपोर्टर ने बड़ी मैच्योरिटी से उसको हैंडल किया और बड़ी मैच्योरिटी से, हमने तो ये कब का खत्म हो चुका था, वो तो हमारी आइडेंटिटी ही कब की डिस्क्लोज हो गई होती। नहीं, एक बात लगातार इस दौर में सामने आती है कि जब जब पैसा सामने आता है, हमने देखा सब गिरे पड़े हैं, क्या दलाल और क्या सांसद और किन स्थितियों में है चीजें, ये एक हकीकत है। और देखिए पैसा भी मांग रहे हैं, देखिए आप तो देख रहे हैं 10-15 हज़ार, वो कह रहे हैं वो तो बड़ा मोटा सौदा देख रहे हैं, वो कह रहे हैं पिटीशन का अन्ना साहब पाटिल बीजेपी कहते हैं 10 लाख रुपए अक्रॉस पार्टी लाइंस करेंगे, अब 10 लाख रुपए हम करके, प्रदीप गांधी जी बीजेपी की वो कहते हैं साहब इसमें 10 लाख का अपन बात करें, और फिर मैं कहता हूँ नहीं 7-8 या जो भी मैं कहता हूँ कि नहीं नहीं इतने जरा कम करिए, इतना बजट नहीं है हमारे पास। तो अगर हम कोई बड़ी हैं तो हम तो फेंक फेंक के पता नहीं कितनी पिटीशन पास करा लें। कुछ भी किया जा सकता है इस तर्ज पे। ये सर, इससे पहले मायावती
खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी उसमें उन्होंने कहा कि देखिए लाखों के घोटाले होते रहे हैं, लाखों रुपए इधर से उधर लिए गए हैं, ये तो बहुत छोटी सी बात है, छोटा सा लिया, लेकिन हमारी सहमति होगी, संसद जो भी जांच के बाद एक निर्णय लेगी, लेकिन फिलहाल इन तीनों को हम सस्पेंड कर रहे हैं। और इससे पहले जो सांसद हमसे बात कर रहे थे, खासतौर से नरेंद्र कुशवाहा, वह भी कह रहे थे अरे हमने 5-6 लाख रुपए थोड़े ही लिए, हमने तो सिर्फ 10 से 15 हजार। यह स्थिति है, चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हैं, जिसको लेकर संसद में भी खासी चर्चा, राज्यसभा में एकमात्र सांसद छत्रपाल सिंह लोढ़ा जो कि उड़ीसा के हैं, हालांकि वो बुलंदशहर के रहने वाले, उनको लेकर आचरण समिति फैसला 4:30 बजे दे देगी। उसमें कर्ण सिंह की अगुवाई में समिति है, मायावती उसमें सदस्य भी है, और मायावती ने अब से कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें बहुत साफ कहा कि जो भी फैसला संसद द्वारा लिया जाएगा, जो जांच होगी, उन्हें मंजूर होगा। इन सब के बीच जो भी 11 सांसद थे उनसे गुजारिश खुद स्पीकर ने की है कि वह संसद में नहीं आए। बात हम लगातार सांसदों को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है इसके बाद। दो सांसद हमारे साथ आए भी, एक ने कहा कि उन्होंने पैसा लिया ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब देखे कि स्थिति है, फोन कट गया। उससे पहले एक दूसरे सांसद आए थे जो कुशवाहा थे, जो बहुत सारी तकरीर करते थे, उनमें एक आत्मग्लानी की स्थिति थी, ये क्या हो गया, कैसे हो गया, वह तो जिन स्थितियों से आते हैं उसमें ये चीज़ें फिट नहीं बैठती, और 5-6 लाख तो लिए नहीं है, चंद हजार की बात है। यह सब स्थिति के बीच खुद अनिरुद्ध हमारे साथ हैं, जो कि इस पूरे जो ऑपरेशन जो किया गया था उसकी शुरुआत जिस रूप में उनके जहन में आई, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। लेकिन अनिरुद्ध, इसमें एक सवाल एक जहन में और आता है कि एक बात तो आप बार बार कह रहे थे कि अगर कोई वाकई चाहे तो सब कुछ हिला कर रख दे, आपने बहुत छोटे स्केल में चीज़ों को रखा है सामने में, लेकिन इस मानसिकता के घेरे में आपको क्या लगता है कि संसदीय व्यवस्था का जो खांचा है, आप टटोल रहे थे चीज़ों को, नब टटोल रहे थे, क्या इस दिशा में आपको झुकते हुए, ज्यादा बड़ा सैद्धांतिक सवाल है लेकिन हम जरूर जानना चाहेंगे, आपने क्या महसूस किया? भाई हम तो वही बात कर सकते हैं जो हमने पाया। अगर हम बात करते हैं कि ऐसा हुआ, ऐसा क्या पता होता हो या क्या पता आगे होगा, चलिए इसको थोड़ा चेंज करते हैं। हाँ। इसको चेंज करते हैं। जो ऑपरेशन चला रहे थे आप, जो रिपोर्टर गए, जो सुहासिनी जाती है, किसी तरह का खतरा लगा नहीं? उससे भी रिएक्शन से पता चले कि नहीं, खतरा तो भाई शुरू से ही खतरा था। खतरा ऐसे, आप ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं तो आपको एक तो पता नहीं, एक तो मिडलमैन भी हैं, ऊपर से दलाल आपके, ऊपर से आपके सांसद। तो हमारे रिपोर्टर को तो हम हमेशा बाहर होते थे, 99% ऑफ द केसेस में मैं बाहर मौजूद होता था इस स्थिति के ही निपटने के लिए, कि मान लो कुछ ऐसे अकस्मात किसी ने कैमरा खोज लिया या कोई फिजिकल बात आ जाए तो एकदम प्रोटेक्शन के लिए मैं मौजूद हूँ, और भी मेरे साथ भी एक थे। और दूसरी चीज़ ये, रिपोर्टर के पास भी एक ऐसा ही औजार था जिसको अगर वो पुल करती तो एकदम, जैसे कहते हैं साउंड ग्रेनेड, तो एकदम फट के आती, एकदम आवाज़ होती धारदार, तो वैसे ही कुछ लोग डर जाते। उसके पास एक पेपर गन भी था कि मान लीजिए किसी बिलो बिचौलिए या कोई सांसद ऐसी कोई हरकत करे तो पेपर स्प्रे का भी इस्तेमाल कर सके, क्योंकि अपनी भाई सेल्फ डिफेंस हमारे लिए बहुत है। आप लोग पैसा ले रहे हो, ये सब हरकत कर रहे हो और एकदम देश के सामने है, तो ये इसमें कोई, हमें अपना प्रोटेक्शन की भी ध्यान रखते हुए हमने ये सब किया। और ये हम लोग खुशकिस्मत थे एक तरह से, आप समझ लीजिए कि एंड स्टेज पे ही सस्पिशन हुआ जबकि स्टोरी हो चुकी थी, और शुरू में सस्पिशन था लेकिन हमने मान लिया। एक बार एमपी प्रदीप गांधी ने हम लोग का बैग एक टटोला भी, आप लोग ने देखा होगा इमेज, लेकिन उनको कुछ दिखा नहीं, हम लोग ने बैग हटा भी लिया और फिर वो पीछे पड़ गए हमारे जैसे। अब बाद में फिर कितने फ़ोन कॉल आए, बाद में उन्होंने अप्रोच किया, हमारे घर दो बार आए, हमारे माताजी से बात करी उन्होंने कि किसी तरह हमको बचवा दीजिए। तो अब इस तरह की हरकत, बाद में अगर आप चंडेल साहब का भी फ़ोन आया हमारे रिपोर्टर का, ये सब रिकॉर्डेड कॉल्स हैं, कि वो भी शक कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है, कि आप अनिरुद्ध मतलब नाम लेके पूछ रहे हैं कि ऐसे आप क्या है, ये है वो है। तो अभी जो वो ज्ञान दे रहे थे टीवी पे, वो सब फोन कॉल अगर चलने लगे तो सबकी तो हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि हम आपको बता दें तकरीबन 56 वीडियो टेप हैं, उससे ज्यादा ही 70 से ज्यादा ऑडियो टेप है, 900 फोन कॉल है जिसे टेप किया गया है। इन सब स्थिति में कुछ चीजें अब भी ऐसी हैं जो अभी नहीं बताई गई हैं, अगर उसका एक महक लेंगे हम ब्रेक के बाद, अनिरुद्ध से पूछेंगे कि आखिर वो कौन कौन सी स्थितियां थी, किस किस तरह के रिएक्शन सांसद कर रहे थे इस दौर में, जिस दौर में ये समूची डील चल रही थी, लेकिन ब्रेक के बाद। ऑपरेशन दुर्योधन से जुड़ी तमाम खबरें, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं क्या है मौसम का हाल।
मौसम आज तक के प्रधान में आप सभी का स्वागत है। चर्चा सांसदों को लेकर हो रही है और सनसनीखेज खुलासे को लेकर हो रही है, जिसको लेकर समूचे देश में सनसनी फैली हुई है। वजह इसकी बहुत साफ है, जिस तर्ज पे संसद के भीतर सवाल पूछे जाते हैं और दूसरे तरीकों से जनता के मुद्दों को उठाया जाता है, उसमें इन मुद्दों को उठाने के लिए ही कुछ सांसदों ने पैसा लिया कैमरे के सामने। लेकिन सबसे पहले हम संसदीय लोकतंत्र और सांसदों के प्रति अपने सम्मान को प्रकट जरूर करना जरूरी समझते हैं। भारतीय संसद में एक से एक बेजोड़ सांसद रहे हैं, जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत बनाया है। भारतीय संसद की मर्यादा समिति यानी आचरण समिति ने सांसदों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाया है, जिस पर आम जनता के साथ साथ मीडिया की भी नजर हमेशा रहती है। सांसद भी इस दिशा में ध्यान देते हैं कि कम से कम उस कोड ऑफ कंडक्ट को पालन किया जाए। ऑपरेशन दुर्योधन के जरिए हम ये बता रहे हैं कि कुछ सांसद संसद की पवित्र मर्यादा को आंच पहुंचा रहे हैं। संसद के बाहर कुछ सांसदों के कामकाज की जांच पड़ताल शुरू की गई तो यह बात सामने आई कि ज्यादातर सांसद अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं, लेकिन जिन चंद लोगों को हमने टटोला, चोकोबरा पोस्ट और पूरा काम किया, उसके बाद जो जाँच पड़ताल cobrapost.com ने बाकायदा एक काल्पनिक संस्था बनाई, नॉर्थ इंडियन स्मॉल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन यानी निस्मा। रिपोर्टर अनिरुद्ध बाल हमारे साथ हैं, वह नवरत्न मल्होत्रा के नाम पर उस पूरे दौर में ऑपरेशन के दौरान में थे और निस्मा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हुए थे। सुहासिनी राज नमिता गोखले के नाम से निस्मा की प्रतिनिधि थी। इस जाँच में सहयोग कुमार बादल कर रहे थे। यह जाँच अप्रैल में शुरू हुई थी, दिसंबर यानी इस महीने के शुरू तक चली है और इस जाँच के दौरान 56 से ज़्यादा वीडियो टेप, करीब 70 से ज्यादा ऑडियो टेप रिकॉर्ड किए गए, 900 से ज्यादा टेलीफोन कॉल्स भी रिकॉर्ड किए गए हैं। और इस जांच के नतीजों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए cobrapost.com ने जब आज तक से संपर्क किया तो हमने जनहित में फैसला किया इसे दिखाने का। इस जांच से एक हैरान करने वाली बात सामने आई, संसद में सवाल पूछने या दूसरे तरीकों से मुद्दा उठाने के लिए भी कुछ सांसद पैसा लेते हैं। हालांकि ज्यादातर सांसद अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं, पूरी निष्ठा संसद को लेकर, संसदीय लोकतंत्र को लेकर समूचे देशवासियों की है। लेकिन चंद सांसद अगर इस तर्ज पर करते हैं तो उसके क्या क्या रिफ्लेक्शंस हो सकते हैं, कम से कम इस संसदीय राजनीति के मद्देनजर, जहां जनता अपने नुमाइंदा को संसद के भीतर बहुत कुछ आदर्श के तौर पर देखती है। तो हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन यह बताएं सबसे पहले कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, तमाम दलों के कुछ सांसदों ने सवाल पूछने के लिए पैसे लिए, उन्हें कैमरे में कैद कर लिया गया। इसमें बीएसपी और आरजेडी के एक सांसद भी शामिल हैं। आइए पूरे घटनाक्रम पर फिर से एक नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से बहुजन समाज पार्टी के सांसद कुशवाहा से, इस आदमी झेलता रहेगा और वही झेल ही रहा हूं तब से, तो इसका यह मतलब तो नहीं है लेकिन दम है, अब इलाहाबादी हूं तो करूंगा मैं। चलिए, आपने हिम्मत दिखाई, साथ खड़ा है आज तक। बहरहाल बहुत को लेकर, चूंकि ये इतना छोटा मसला नहीं, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि टेपों की संख्या 56 से ज्यादा, जो वीडियो टेप है, ऑडियो टेप 70 से ज्यादा है, तो उनमें कुछ ऐसी अनसुलझी चीजें हैं जो नहीं अभी तक स्क्रीन पे आप देख पाए हैं, वह भी हम टटोलने की कोशिश करेंगे अनुरुद्ध से कि उनके कुछ एस्पेक्ट्स को लेकर आए जो सांसद कह रहे थे और राजनीतिक दल किस रूप में क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इन दोनों पर चर्चा ब्रेक के बाद। ऐसा ऑपरेशन जिसको लेकर संसद में हंगामा मचा है, समूचे देश में लोगों के लगातार हमारे पास फोन आ रहे हैं, वो जानकारी चाहते हैं किस तर्ज पे ये सब कुछ हुआ, और हम लगातार आपको सुबह 8 बजे से बतला भी रहे किस तर्ज पे सवाल पूछने और मुद्दे उठाने के लिए सांसदों के पैसे लेने पर राजनीतिक गलियारों में भी हड़कंप है। राजनीतिक पार्टियां सकते में है, लोकसभा के स्पीकर ने इसे शर्मनाक करार दिया है। उधर राज्यसभा के सभापति भैरव सिंह शेखावत ने मामले की जांच के लिए कर्ण सिंह की अगुवाई में एक आचरण समिति बैठा दी है। जैसे ही आज तक पर ऑपरेशन दुर्योधन का सांसदों को बीजेपी संसदीय दल से निलंबित करने का ऐलान कर दिया, जिन्हें कैमरे के सामने संसद में सवाल पूछने के लिए पैसा लेते दिखाया गया, मुमकिन है पार्टी बाद में ये मामला संसद की विशेषाधिकार समिति में भी उठाए। श्री अटल बिहारी वाजपेयी सहित कुछ प्रमुख साथियों से सलाह करके
यह निर्णय किया है कि हमारी पार्टी के जिन सांसदों के ऊपर आरोप लगाया गया है उनको भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल से सस्पेंड किया जाए। जहां कांग्रेस ने भी अपने सांसद के खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए हैं, वहीं यूपीए सरकार को समर्थन दे रही लेफ्ट पार्टियों ने कहा है कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो। ये वाले रविंदर, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने तुरंत श्री राम सेवक सिंह जी को पार्टी से निलंबित कर दिया है, और इसके बाद अब जो अनुशासनहीनता और सांसद होने के नाते जो संसद के कानूनों का उल्लंघन किया है उसके ऊपर उसको मद्देनजर रखते हुए फर्दर एक्सपल्शन की बात हो। ये बहुत बुरा बात है, इनको जांच होना चाहिए एथिक्स कमिटी से, स्पीकर साहब से, चेयरमैन से। हिंदुस्तान को, जनता को सामने जो छवि हम दिखाने चाहते हैं, पार्लियामेंट को, इलेक्टेड मेंबर्स को, वही छवि ठीक रखने के लिए जांच होना चाहिए। ऑपरेशन दुर्योधन में आरजेडी सांसद मनोज कुमार भी पैसे लेते कैमरे में कैद हुए। पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इससे खासे नाराज हैं। खासकर मनोज कुमार ने जिस तरह दो मंत्रालयों, रेलवे और कंपनी मामलों में किसी भी तरह का काम कराने का दावा किया, इससे लालू का गुस्सा और भड़क उठा। कैसे नाम लोग बेचते रहते हैं, कैसे ये सब काम में लोग लगे रहते हैं, तो पार्टी तो सख्त कार्रवाई करेगी। क्या करेगी? कार्रवाई निकाल तो पैसा लेते हुए देखेगा। देखेंगे सारा चीज, हम भी मंगा लेते हैं जो तरीका है उसको। इन मामलों से लोकसभा के स्पीकर सोमनाथ चटर्जी काफी आहत दिखे। इसे लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बताते हुए उन्होंने पैसे लेते कैमरे पर दिखाए गए सांसदों से अपील की है कि जब तक जांच पूरी न हो जाए मेहरबानी करके वो सदन में न आए। I shall certainly ask the honorable members to explain what has happened, and in the meantime I am making a personal request to all of them, please don't attend the session of the house until the matter is looked into and a decision is taken. स्पीकर ने मामले की जांच पड़ताल के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें तय हुआ कि कैमरे पर पैसा लेते कैद सांसद 3 दिन के भीतर अपनी सफाई पेश करें। आज तक ब्यूरो। राजनीतिक दलों में भी खलबली, नेताओं में भी कहीं ना कहीं चिंता, और खुद लोकसभा के स्पीकर भी हैरान परेशान। लेकिन जो कुछ दिखाया गया, अनिरुद्ध हमारे साथ है। अनिरुद्ध, जो चीजें आई हैं सामने उसमें ऑपरेशन जो कर रहा होता है, जो टीम ऑपरेशन कर रही है, कुछ और ऐसे वक्तव्य सामने आते हैं जो शायद अभी हम लेके नहीं आए हैं, लेकिन वैसे कुछ जो सांसद लगातार इस तरह से जो सवाल कर रहे हैं, साहब हम तो सेवा था, पैसा नहीं लिया था हमने, ये सब गलत चीजें हैं, कुछ और एस्पेक्ट जो निकल कर आए इस बीच में? एस्पेक्ट तो कई सारे हैं एक तरह से। अब आप कुशवाहा जी का ही देख लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण है। अब जिस तरह की इन्होंने अश्लील बातें करी हमारे रिपोर्टर से, तो वो ना बताना ही उचित रहेगा। कह रहे हमारे हमारे साथ रुक जाओ, फिर कि आप हमारी आवाज़ ले गई हैं, इस तरह की हमारे बगल में आके बैठो, और वो सब चीज़ें तो दिखाई ही नहीं गई हैं। तो अभी सब क्या जो एक तरह से बोल रहे हैं उनका अगर आप आचरण देखेंगे टेप्स पे, तो ये साहब ये आप मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट होके ऐसा आचरण कर रहे हैं, तो ये बहुत ही एक तरह से एक चुपता है। एक आम आदमी को चुपना चाहिए। हम लोग जब देख रहे थे, हम ही लोग को चुप रहा था। फ़ोन पे कई तरह की बातें होती थी। अब फिर बाकी आप देख लीजिए उनका, जैसे पाटिल साहब का ले लीजिए बीजेपी का, तो एक तरह से आपको खाली फॉर्म ही दे दिए उन्होंने। फॉर्म तो क्या बची मर्यादा पार्लियामेंट की? नहीं, ऐसा भी होता था कि जो दलाल ने रेट तय किया सांसद उस पर भी झगड़ा करने, साहब इतना नहीं इतना दीजिए। हाँ, रामपाल जी के बीएसपी के, तो हम लोगों ने कहा कि भाई पहले उन्होंने मांगा था 50,000, तो फिर वो खुद ही कहते हैं 50 नहीं तो 40 ही दीजिए। मतलब इस तरह की बात हो रही है। पहली बार जब उनको 25,000 मिले तो कह रहे हैं कितना है, बोला 25, बोला अरे मतलब ये बोला कि अरे ये तो रकम इतनी कम है। तो रकम का अंदाज अब जैसे फिर बाद में पिटीशन की बात, लंबे चौड़े दाम मांगने पिटीशन की चलाने के लिए,
और फिर कुछ MPs के जैसे हम आपके और MPs से मिलाएंगे, अक्रॉस पार्टी लाइंस आपकी डील कराएंगे, और फिर इस तरह से जो कई और बातें हैं, अब एक एक MP का अगर ब्यौरा देखने लगे, कितने सारे इसमें टेप है, कितनी तमाम तरीके की बातें बोली गई, कैसे लॉबी करना है। पाटिल जी कह रहे हैं लॉबी करना है, इस बिना लॉबिंग के यहाँ कुछ होता नहीं है, मनी इज़ पार्टी, मनी इज़ एवरीथिंग, और नलायक है सर, कह भी रहे हैं करप्शन वाले अपनी मतलब पॉलिटिशियंस के बारे में करप्ट हैं साले सब, सॉरी ये बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन नलायक हैं सब, इस तरह की बात बोल रहे हैं और खुद ही पैसा ले रहे हैं, और मतलब सब आप पाटिल जी की हिस्ट्री देखिए, अपने को टेक्नोक्रेट बोलते हैं भी, बहुत ही पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, अपनी अपने को कहते हैं कि IIT कानपुर के पढ़े हुए हैं, कहते हैं कि वो शुगर इंडस्ट्री से भी ताल्लुक था, उनका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से भी ताल्लुक था, और कई एक तरह से उन्होंने वहाँ पे महाराज जो भी किया हो इतना पूरा उन्होंने ब्यौरा भी दिया अपने को कि ये किया है। अब उस तरह के आदमी अगर इस तरह के काम लगे, इलेक्शन के लिए पैसा मांगना कि भाई हमें इलेक्शन के लिए पैसे भी दीजिएगा, तो ये सारी तमाम चीज़ें जो हैं इट्स नॉट अ जो एक आप देखिए एक छोटी सी चीज़ है कि इतने छोटे से पैसे में इतना आपने इन्फ्लुएंस कर दिया इन MPs को। हमें ये बार बार मैंने पहले भी कहा और कहता रहूँगा और अब भी बोल रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है, मतलब आपके पास पैसा है तो आप कोई भी चीज़ पॉलिसी डाल देंगे, जो आम तौर पे लोगों को कुछ एक शंका है भी कि ये कुछ बिजनेस हाउसेस कुछ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पॉलिसी, तो इसका मतलब सच ही है। जब इतनी छोटी छोटी रकम के लिए आप ये सब कर रहे हो तो बड़ी रकम के लिए तो पता नहीं क्या हो जाता होगा या क्या हुआ होगा, हमें तो पता नहीं है। तो अब हर एक चीज़ सस्पेक्ट हो जाती है कि भैया वो बिल क्यों पास हुआ, ऐसे बिल में उस पार्टी से समर्थन क्यों नहीं मिला, क्या ये वजह थी कि उस पर्टिकुलर बिजनेस ग्रुप का फायदा हो रहा था इसलिए उस पार्टी ने उसका फायदा उस बिल को उसमें सहमति दी पास होने की, तो तमाम चीज़ें बात आती हैं। ये तो एक छोटा सा बहुत ही ये क्योंकि लोगों का इमेजिनेशन पकड़ रहा है कि प्रश्न के लिए भी भाई यहाँ पे दलाली चलती है, इस रूप में भी पैसे लिए जा सकते हैं। जाहिर तौर पर मसला पैसे का इसलिए क्योंकि नैतिकता की बात संसद में सांसदों द्वारा गाहे बगाहे की जाती रही है, और हो सकता है यह सांसदों ने भी अपने चुनाव क्षेत्र में या संसद के भीतर इस तरीके सवाल जरूर उठाए होंगे। लेकिन अनिरुद्ध जो जानकारी दे रहे हैं उसमें कुछ ऐसे डायमेंशंस भी हैं जो समाज के भीतर कोई सभ्य आदमी उस तरह की भाषा का प्रयोग संवाद के दौर में नहीं करता है, बावजूद उसके वैसी चीज भी रिकॉर्ड की गई है और वैसी चीज भी सामने आई है, लेकिन वह नहीं है सामने क्योंकि मसला एथिक्स का भी है, हमारे लिए भी कुछ एथिक्स का है, लेकिन इस एस्पेक्ट को लेके हम खबरों को और आगे भी ले जाएंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।